कृषि को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं आदमी से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मामला को देखिए। आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट किया वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो, ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पर हमारी जो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी वो भी अदालत ने इंटरटेन कर दी थी, और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इकदाम करें। ऐसी सरकमस्टांसिस है, आप अगर आप फेदर पे लोगों को अरेस्ट करते हैं तो इलेक्शन पे भी बड़ा असर हुआ है। सेकंडली, शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है, अभी 3 MPO की कोई गुंजाइश नहीं है। 9 मई के हवाले से इतलात आ रही है कि 9 देखिए वो 3 MPO के लिए पैसे वापस हुआ, अगर उसने वापस किया तो देखो ना, ये इसका मकसद ये है कि जब तक आप कोई और नया केस ना तैयार करो तो आप उसको रिटेन करो 3 MPO को। ये लोगों की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मेरे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रिक्वेस्ट होगी कि आपने इसमें एक्शन लिया था, आप काइंडली लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के ऑर्डर पास करें ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स।